Welcome dear students, and today this video is about medullary vascular bundles. I am Dr. Vartika Jain, and this is the part 3 of primary anomalous structures which we are studying in our previous videos, and it is part of BSc second year botany second paper unit 3. Mohanlal Sukhadia Vishwavidyalaya Udaipur ke botany second paper ke syllabus mein unit 3 mein hame primary aur secondary abnormal structures ke bare mein padhna tha. कुछ द्विबीजपत्री पौधों में प्राथमिक अपसामान्य संरचनाएं मिलती हैं, उसमें से हमने काफ़ी सारी स्टडी कर ली थी. जैसे हमने पढ़ा था एब्सेंस ऑफ वेसल्स इन जाइलम, स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल्स का मिलना, कॉर्टेक्स में वेस्कुलर बंडल का मिलना, और इसके अलावा एक्सक्लूसिव फ्लोएम बंडल्स, एक्सक्लूसिव जाइलम बंडल्स का मिलना. और आज हम जिन वेस्कुलर बंडल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, वे बंडल्स पिथ में मिलते हैं, अर्थात मज्जा में अगर कोई वेस्कुलर बंडल मिल रहा है तो वो एक प्राइमरी एबनॉर्मल स्ट्रक्चर है. तो ये प्राइमरी एबनॉर्मल स्ट्रक्चर्स मेड्यूलरी वेस्कुलर बंडल के नाम से जानी जाती हैं. तो मेड्यूलरी वेस्कुलर बंडल्स, ये भी दे आर इन एडिशन टू द नॉर्मल वेस्कुलर बंडल. यानी उन पौधों में नॉर्मल वेस्कुलर बंडल्स की रिंग तो है, परंतु उनके अलावा उनके पिथ में कुछ और वेस्कुलर बंडल्स मिल रहे हैं, उन्हें मेड्यूलरी वेस्कुलर बंडल कहा जा रहा है. और कभी कभी दीज मेड्यूलरी वेस्कुलर बंडल्स दे ऑल्सो शो सेकेंडरी ग्रोथ, द्वितीयक वृद्धि भी इनमें देखने को मिलती है. ये मेड्यूलरी बंडल एक या एक से अधिक रिंग्स में अरेंज हो सकते हैं, या फिर ये इरेगुलरली स्कैटर्ड हो सकते हैं. इनका नंबर वेरी करता है फ्रॉम वन टू मैनी, एंड ये जो है दे आर नॉट कॉन्स्टेंट थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द प्लांट. तो देखते हैं इन मेड्यूलरी वेस्कुलर बंडल्स किन किन डाइकॉट प्लांट्स के अंदर हमको देखने को मिल रहे हैं. इनमें कई एग्जाम्पल्स हैं, जैसे एनिमोन और डेल्फिनियम जो रेनकुलेसी फैमिली के मेंबर्स हैं, इनमें देखने को मिलते हैं. उसके अलावा अमेरेंथेसी फैमिली के मेंबर्स हैं, जैसे अमेरेंथस, एकाइरेंथस, जिसे लर्जीरा के नाम से जानते हैं आप, किनोपोडियम बथुआ के नाम से जानते हैं, इनमें भी मेडुलरी वेस्कुलर बंडल्स देखने को मिलते हैं. उसके अलावा एकेंथस है, एकेंथेसी फैमिली का मेंबर. फिर कैक्टेसी फैमिली के मेंबर हैं ट्राइकोसीरियस एंड एकाइनोकैक्टस, इसके अंदर भी मेडुलरी वेस्कुलर बंडल्स मिलेंगे. उसके अलावा निक्टाजेनेसी फैमिली के मेंबर मेराबिलिस, बोगनविलिया, बोरहाविया, इनके अंदर देखने को मिलेगा. देन आर्जीरिया नर्वोसा, समुद्र अशोक के नाम से जानते हैं, एक बेल है. कॉर्नवलुलेसी फैमिली के मेंबर, इसमें देखने को मिलेगा. एरेलिया प्लांट, एरेलिएसी फैमिली, इसमें देखने को मिलेगा. तो ये कुछ प्लांट्स हैं जिनमें इनके एग्जांपल्स आप याद रखें, जिनमें मेडुलरी वेस्कुलर बंडल्स एज अ प्राइमरी एबनॉर्मल स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं. तो सबसे पहला एग्जाम्पल जो यहाँ पर दिया गया है वो है एनिमोन प्लांट का. एनिमोन वाइटिफोलिया का यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये उसका स्टेम का टीएस है, उसका आउटलाइन डायग्राम है. और इसमें आप देख रहे हैं कि ये जो पिथ है, पिथ के अंदर मेडुलरी बंडल्स जो है वो स्कैटर्ड हैं, बिखरे हुए आपको दिख रहे हैं. नॉर्मल बंडल तो दिख रहे हैं, परंतु पिथ के अंदर भी स्कैटर्ड मेडुलरी वेस्कुलर बंडल्स दिख रहे हैं. देन सेकेंड एग्जाम्पल यहाँ बोरहाविया का दिया गया है. बोरहाविया तो बड़ा एक इंपॉर्टेंट प्लांट है, जिसे पुनर्नवा के नाम से जाना जाता है, और ये एक इंपॉर्टेंट मेडिसिनल प्लांट भी है. बोरहाविया का जो तना है, उसका जगह आप स्टेम का टीएस काटते हैं, उसके अंदर आप देखते हैं कि मेडुलरी वेस्कुलर बंडल दो रिंग्स में दिखाई देते हैं, आउटर रिंग एंड इनर रिंग. तो आप यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये जो पूरा रीजन है ये पिथ का रीजन है, और इस पिथ के रीजन में दो रिंग्स दिख रही हैं. ये तो इनर रिंग है और ये जो है आउटर रिंग है. तो इनर रिंग में आप देख रहे हैं कि टू लार्ज वेस्कुलर बंडल दिख रहे हैं, ये दोनों जो है बड़े बड़े वेस्कुलर बंडल दिख रहे हैं. और आउटर रिंग में 6 से 8 छोटे, कंपैरेटिवली छोटे वेस्कुलर बंडल हैं, और जो कि एंडार्क प्रकार के हैं, अर्थात नॉर्मल जैसा तने के अंदर एंडार्क बंडल मिलते हैं वैसे ही बंडल हैं, परंतु वो पिथ में हैं, इसलिए इनको हम मेडुलरी वेस्कुलर बंडल कहेंगे. और दूसरी खासियत है कि ये जो बंडल्स हैं जो पिथ में मौजूद हैं, जिन्हें हम मेडुलरी बंडल कह रहे हैं, वे ओपन हैं. ओपन का तात्पर्य है कि इनके अंदर बीच में, जाइलम और फ्लोएम के बीच में हमें कैम्बियम जो है वो उपस्थित दिख रहा है, और कैम्बियम उपस्थित होने की वजह से ये लिटिल सेकेंडरी ग्रोथ जो है वो भी करते हैं. तो बोरहाविया का प्लांट जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है, निक्टाजेनेसी फैमिली का मेंबर है, इसे आप याद रखिए. बोरहाविया के तने में इसके अंदर मेडुलरी वेस्कुलर बंडल की दो रिंग्स मिलती है. पहले एनिमोन में आपने देखा कि स्कैटर्ड मेडुलरी बंडल है, इसके अंदर दो रिंग्स हैं. अंदर वाली रिंग में खाली दो बड़े बड़े मेडुलरी बंडल हैं, और बाहर वाली रिंग में 6 से 8 छोटे बंडल हैं जो कि एंडार्क हैं, नॉर्मल प्रकार के हैं, यानी इन्वर्सली ओरिएंटेड नहीं हैं और ओपन बंडल्स हैं. उसके बाद मेडुलरी बंडल्स का जो एग्जाम्पल है उसमें ये प्लांट्स के नाम काफ़ी लिए जाते हैं, जैसे मेराबिलिस, जैसे फोरोक्रोक प्लांट भी हम कहते हैं, पाइपर, जैसे इसकी स्पीशीज पाइपर नाइग्राम आप जानते हैं, बोगनविलिया, स्पेक्टाबिलिस. आप बोगनविलिया तो जानते ही हैं कि बहुत ही बढ़िया ऑर्नामेंटल प्लांट के रूप में इसको यूजली गार्डन में और सब जगह लगाया जाता है, और अमेरेंथस,
एमरेंचस की भी कई जातियां हैं, जैसे एमरेंचस विरिडिस है जो कि बड़ी कॉमन है, और एमरेंचस स्पाइनोसिस है जो कि कनबजली कहते हैं, जो कि खाने में भी उसमें ली जाती है। तो एमरेंचस जो प्लांट है इसके अंदर आप देखेंगे इनके स्टेम का जब सेक्शन काटा जाएगा तो इनके पिथ में खूब सारे न्यूमरस मेडुलरी वेस्कुलर बंडल स्कैटर्ड होते हैं, और वह एक से अधिक रिंग्स में स्कैटर्ड होते हैं। और किस प्रकार के होते हैं? होते बिल्कुल नॉर्मल बंडल्स के जैसे ही हैं, कंजॉइंट होते हैं और एंडार्क होते हैं, परंतु मेडुलरी बंडल एक से अधिक रिंग में स्कैटर्ड रूप में इन प्लांट्स में देखने को मिलते हैं। बोरावे में दो रिंग्स में देखा था, और इसके अंदर न्यूमरस बंडल्स हैं जो कि बहुत अधिक रिंग्स में स्कैटर्ड होते हैं और पिथ में मौजूद हैं, इसलिए मेडुलरी बंडल कहलाते हैं। उसके बाद एक और एग्जाम्पल है बड़ा इंटरेस्टिंग, अरेलिया का, अरेलेसी फैमिली, अरेलिया रेसिमोसा जो है, इसके जो आप स्टेम का टीएस का ये देख रहे हैं उसके अंदर भी आप देख रहे हैं कि मेडुलरी वेस्कुलर बंडल तो पड़े हुए हैं पिथ के अंदर, स्कैटर्ड दिख रहे हैं आपको, परंतु ये बंडल जो है वो नॉर्मल नहीं है, कंजॉइंट हैं, परंतु ये बंडल इन्वर्सली ओरिएंटेड है, अर्थात ये एक्सार्क हैं। तो एक्सार्क का तात्पर्य हो गया कि प्रोटोजाइलम जो है वो परिधि की ओर है, यानी ये बाह्य आदिदारुक प्रकार के मेडुलरी वेस्कुलर बंडल मिल रहे हैं। अभी तक हमने जितने मेडुलरी वेस्कुलर बंडल देखे वो सारे एंडार्क थे, परंतु ये बंडल जो है जो एरेलिया में मिल रहा है वो बंडल एक्सार्क प्रकार का मिल रहा है। तो इसे याद रखिएगा कि एरेलिया में इन्वर्सली ओरिएंटेड मेडुलरी वेस्कुलर बंडल मिलते हैं। उसके बाद आ जाते हैं एक और बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल जो प्रैक्टिकल में हम करते भी हैं और बड़ा इंपॉर्टेंट प्लांट है, इसे हम जानते हैं एकायरेंथस एस्पेरा के नाम से। एकायरेंथस एस्पेरा या लडजीरा भी कहते हैं इसको, आंधी जड़ा भी कहते हैं, और ये जो प्लांट है न्यूट्रिशनली भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके सीड्स जो होते हैं वो कहते हैं हंगर सप्रेसेंट होते हैं। तो ये एकायरेंथस एस्पेरा वीट के रूप में उगने वाला प्लांट है, और इसके स्टेम का जब सेक्शन काटा जाता है तो इसमें पिथ के अंदर जब अगर नोट जो है नोट के जस्ट ऊपर और नीचे से अगर सेक्शन कटा है तो पिथ में दो अलग अलग आपको मेडुलरी बंडल दिख रहे हैं, डिस्टिंक्ट मेडुलरी वेस्कुलर बंडल जो कि एंडार्क प्रकार के हैं। परंतु जैसे ही अगर नोडल रीजन से काट लिया गया है सेक्शन तो नोड रीजन में ये दोनों जो है मिल जाते हैं, और मिलने के बाद जो है ये एक एम्फीजाइलिक बंडल बना देते हैं। एम्फीजाइलिक बंडल का तात्पर्य हो गया कि उभयजाइलमी, जिसके अंदर दो तरफ जाइलम दिख रहा है। तो ये जो है दो तरफ इसमें जाइलम हो गया है और फिर सेंटर में आपको फ्लोएम दिख रहा है। ऐसी कंडीशन हो सकती है जब नोडल सेक्शन से नोडल सेक्शन आपको देखने को मिलेगा। तो मेडुलरी वेस्कुलर बंडल इसमें है परंतु पूरे स्टेम की लंबाई में एक जैसे नहीं है। अगर नोड के ऊपर और नीचे से लिया तो दो अलग अलग बंडल हैं, और अगर नोड से लिया तो एक ही बंडल बन जाएगा, एम्फीजाइलिक वेस्कुलर बंडल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एकायरेंथस एस्पेरा का एग्जाम्पल आप मेडुलरी वेस्कुलर बंडल के रूप में याद रखिए। उसके अलावा बोरहवे का एग्जाम्पल याद रख सकते हैं, और उसके अलावा आप एमेरेंथस मिराबिलिस बोगेनविलिया का एग्जाम्पल याद रख सकते हैं। एरेलिया का इसलिए याद रख सकते हैं क्योंकि उसके अंदर इन्वर्सली ओरिएंटेड यानी एक्सार्क प्रकार के मेडुलरी वेस्कुलर बंडल मिलते हैं। यूजली ये जो मेडुलरी वेस्कुलर बंडल होते हैं ये लेटरल ऑर्गन्स जैसे कि लीफ और ब्रांच को वेस्कुलर सप्लाई नहीं देते, और पूरे जो स्टेम की लंबाई है उसमें विदाउट एनी ब्रांचिंग ये ट्रेवल करते हैं। और कहा जाता है कि कुछ लायनास जो होती हैं उनके अंदर जो क्लाइंबिंग प्लांट्स जो हैं उनके अंदर इसका काम है मैकेनिकल हेल्प उसको देना, मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करना इन मेडुलरी बंडल्स का काम है। और माना जाता है कि कुछ प्लांट्स के अंदर ट्रांसलोकेशन, फूड का ट्रांसलोकेशन की नीड जो है ज़्यादा हो जाती है, उस वजह से भी ये मेडुलरी वेस्कुलर बंडल बन जाते हैं। बाकी तो नॉर्मल वेस्कुलर बंडल की रिंग ऑलरेडी मौजूद है, परंतु पिथ में एक्स्ट्रा मेडुलरी बंडल आपको मिल रहे दिख रहे हैं, तो वो उनका होने के पीछे कुछ कारण है। तो या तो वह मैकेनिकल सपोर्ट के लिए हैं, या फिर उस पौधे की पर्टिकुलर एक्स्ट्रा नीड्स हैं फूड की, उसको सपोर्ट करने के लिए वो मेडुलरी बंडल उस प्लांट के अंदर है। तो ये हमने देखा एक और प्रकार की प्राइमरी एबनॉर्मलिटी जो मेडुलरी बंडल के नाम से देखी। उससे पहले हमने कॉर्टेक्स में भी बंडल देखे थे, उसे कॉर्टिकल बंडल कहा था, और ये है मेडुला यानी पिथ के अंदर वेस्कुलर बंडल का मिलना जो कि एक प्राइमरी एबनॉर्मलिटी को शो करता है। तो अब आने वाले नेक्स्ट वीडियोज में हम और जो बची हुई हमारी जितनी भी प्राइमरी एबनॉर्मल स्ट्रक्चर्स हैं उनको पूरा पढ़ेंगे। और दिस वीडियो वॉज प्रिपेयर्ड बाई यूजिंग दिस रेफरेंस। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।